Hey guys, दोस्तों, आप ये है की और डेट है, 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 है पूरी वीडियो जरूर आप ध्यान से. Now, वीडियो को शेयर भी आप जरूर करिएगा और ये जो अनाउंसमेंट है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा सो तो अगर आप चाहें तो टेलीग्राम से डायरेक्टली इस अनाउंसमेंट को ओपन करके आप देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में नाउ चलिए देखते हैं सबसे पहले बात करें अगर इस अनाउंसमेंट की तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशन आईसीआई को मिक्सड एक्सप्रेशन मिले स्टूडेंट्स के थ्रू कि एग्जाम कराएं इस बार या एग्जाम ना कराएं किस तरीके से क्या चीजें हो तो इसलिए आईसीआई ने यहाँ पे एक डिसाइड करा है इट हैज बीन टू प्रोवाइड एन ऑप्ट आउट ऑप्शन फॉर स्टूडेंट्स ऑप्ट आउट का मतलब क्या है कि अगर आप चाहें तो ये वाला जो अटैम्प्ट है मीन्स जुलाई का अटैम्प्ट अगर आप चाहें तो ये अटैम्प्ट दे सकते हैं अदरवाइज अगर आप चाहें तो जो नवम्बर का अटैम्प्टे नवम्बर का अटैम्प्ट आप दे सकते हैं इसके लिए आपको ऑप्ट आउट फैसिलिटी पे क्लिक करना पड़ेगा इसको आपको ऑप्ट करना पड़ेगा और उसके बाद अगर आप चाहें नवंबर का तो जरूरत नहीं पड़ेगी साथ में, ये जो ये भी काउंट नहीं होगा तो इस तरीके से तो फैसिलिटी ले सकते हैं अगर आपने एग्जाम फॉर्म ऑलरेडी फिल कर रखा है तो, तो ये सारी चीजें एक बार मैं आपको सब कुछ यहां से रीड करके बताया हूं आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ स्टूडेंट ऑलरेडी सबमिटेड ऑनलाइन एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर

यहां पे आप देखेंगे लिखा हुआ है कि इन दिस केस द एग्जामिनेशन फी एंड फी एंड एग्जामेशन फी और एग्जामेशन की भी बात हो रही है इफ एनी ऑफ द पर्टिकुलर स्टूडेंट विल बी ऑटोमेटिकली बी शिफ्टेड एंड कैरीड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट एग्जामिनेशन अब जैसे मान लीजिए कि जो आपका एग्जामेशन है एग्जामेशन अगर मान लीजिए कि ये मे ट्वेंटी एग्जाम आपका थर्ड अटेम्प्ट है मीन्स थर्ड एग्जामेशन है क्योंकि आप तीन एग्जाम्शन ही अवेल कर सकते हैं इन केस अगर आपका ये थर्ड एग्जाम्शन है तो कोई इशू नहीं है ये आपको शिफ्ट हो जाएगा आपका जो नेक्स्ट एग्जाम मीन नवंबर 2020 के एग्जाम है उसमें ये शिफ्ट हो जाएगा साथ में आपको एग्जाम फी भी पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ऑलरेडी ये वाला फॉर्म फिल कर रखा है मे ट्वेंटी का एग्जाम फॉर्म फिल कर रखा है तो ही ये आपके लिए एलिजिबल होगा तो ही ये चीज़ें होंगी नाउ इसके बाद यहां पे लिखा है कि नवंबर 20 साइकिल एंड दिस अटैम्प्ट मे और नॉट काउंटेड साथ में जो अटेम्प्ट है ये अटेम्प्ट भी आपका काउंट नहीं होगा अब इसके बाद जैसे ही एग्जामिनेशन फॉर्म आएगा नवंबर 2020 का तो फ्रेश एग्जाम फॉर्म आपको वहां से अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद जो भी चीजें हैं जो भी एग्जाम फी है एग्जाम हो जाएंगे अदरवाइज अगर मान लीजिए कि डिफरेंस अगर कुछ बचता है तो उसको एडजस्ट कर लिया जाएगा नाउ रिमेनिंग स्टूडेंट्स हु विल चूज नॉट टू ऑप्ट आउट अगर आप इस स्कीम को ऑप्ट आउट वाली स्कीम को नहीं लेना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं जुलाई मीन्स ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ जुलाई से जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी में केवल अटैम्प्ट करना तो यहाँ पर जो भी प्रिकॉशंस हैं कोविड नाइन्टीन के लिए सो एवरीथिंग विल बी देयर थर्मल स्कैनिंग होगी हैंड सैनिटाइजेशन होगा देन मास्क आपको पहनना पड़ेगा मेनटेनिंग सोशल डिस्टेंस एट ऑल टाइम फॉलोइंग गवर्नमेंट गाइडलाइनस एक्सेट्रा जो भी चीज़ें हैं सब कुछ आपको वहाँ पर सब कुछ गाइडलाइंस वहां पर फॉलो की जाएंगी नाउ इसके बाद कुछ और भी चीजें हैं अब जैसे कि गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस इशू कर रखी थी तो सब कुछ अकॉर्डिंगली की जाएगी नाउ फर्दर मोर द स्टूडेंट सीकिंग चेंज इन एग्जाम सेंटर फ्रॉम द एग्जाम कमेंसिंग फ्रॉम ट्वेंटी तो यहाँ पर जो विंडो है एग्जाम सेंटर को चेंज करने के लिए ओपन होने वाली है एंड हो जाएगी ट्वेंटी ट्वेंटी वीडियो अभी पूरी एंड तक है पूरी एंड तक आप वीडियो जरूर देखिएगा सारे के सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें है नाउ साथ में जो एग्जामिनेशन है आईपीसीसी ओल्ड सिलेबस का आई पी सी सी ओल्ड सिलेबस इंटीग्रेटेड प्रोफेशनसी कॉम्पिटेंट कोर्स

आई से एग्जाम डॉट आई सी डॉट ओ इसके लिए मैं ट्राई करूंगा एक सेपरेट वीडियो बना दूं किस तरीके से आपको ऑप्ट आउट फैसिलिटी अवेल करनी है सेवनटीन ऑफ जून 2020 से स्टार्ट हो रहा है वेंसडे को एंड 11 ए एम टाइम टाइमिंग है नाउ ट्वेंटी ऑफ जून 2020 uh, ये सैटरडे को ये एंड हो जाएगा uh, जो टाइमिंग है इलेवन नाउ On submitting the declaration candidature of the students uh, for May ट्वेंटी examination cycle will be cancelled and he or she will be shifted to next exam cycle. अब इसमें आपको एग्जाम फॉर्म भी फिल करना पड़ेगा ध्यान रखिएगा नवंबर ट्वेंटी का जैसे एग्जाम फॉर्म आएगा आपको वो भी फिल करना पड़ेगा काइंडली नोट वंस ऑप्टेड फॉर ऑप्ट आउट इज टेकन इट विल बी ट्रीटेड एज फाइनल और इसके बाद किसी भी टाइप की कोई भी रिक्वेस्ट ऐसी असअेन नहीं की जाएगी कोई भी ऐसी रिक्वेस्ट मानी नहीं जाएगी कि आप फिर से इसको रिवोक कर पाए इसका मतलब कि अगर आपने ऑप्ट आउट कर लिया तो ये वाला जो एग्ज़ाम है जुलाई ट्वेंटी का ये वाला एग्जाम आप दे नहीं पाएंगे आपको नवंबर ट्वेंटी ट्वेंटी एग्जाम ही देना पड़ेगा सो so, अगर आपको ऑप्ट आउट करना है तो ध्यान जरूर आप रखिएगा अगर आप ऑप्ट आउट करते हैं तो जुलाई 2020 का अटैम्प्ट आप नहीं दे पाएंगे और आपको देना पड़ेगा नवंबर 2020 का ट्वेंटी सो so, अटैम्प्टो अगर आप नवंबर 20 का अटैम्प्ट देना चाहते हैं तो ही आप इस ऑप्ट आउट की फैसिलिटी अवेल करिएगा अदरवाइज इसको मत अवेल करिएगा सो so, ये फिलहाल में ये कंप्लीट अनाउंसमेंट दोस्तों वीडियो शेयर करिए बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है तीन चार अनाउंसमेंट इसमें एक साथ एक ही वीडियो में सो so, वीडियो शेयर करिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन भी है प्रेस कर लीजिए थैंक यू सो मच हैव नाइस डे